तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो रिचेलियो टी10 फ्रेंचाइज लीग चल रही है, इसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का पांचवा मैच जो कि खेला जाएगा किंग प्रिंस किंग्स वर्सेज M&M साइंस स्ट्राइकर्स के बीच में। तो भाई ये मैच है ये खेला जाएगा अभी 6:45 पर, अभी 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भाई मैच स्टार्ट होने में 1 घंटा और 15 मिनट बचे हुए हैं। तो ये मान लो कि आप जब मैं वीडियो देख रहे होंगे तो शायद 30 मिनट या 35 मिनट ही बचे हों। तो वीडियो जब भी आपको मिले वीडियो को आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट देख लेना, और उसके बाद जो भी मैं अभी टीम दूं ना ये टीम आपको सेव कर लेनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन भाई मैं आपको बता दूं, देखो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी आप यहां से ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो इस मैच की फाइनल टीम है ना वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप @KPM फैंटेसी एक्सपर्ट सर भी कर सकते हो, यहां से भाई आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और भाई यहीं से आप ज्वाइन करके इजीली काफी अच्छी विनिंग आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए भाई यहां से बात कर लेते हैं इस मैच के स्टेट्स के बारे में। तो वेन्यू की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड मतलब नामीबिया में ये मैच होने वाले हैं। और अगर पिच की बात करें तो भाई बैटिंग ट्रैक यहां पर काफी अच्छा खासा मतलब बैटिंग ट्रैक है, और भाई यहां पर पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है। हेल्प क्या भाई आप ये मान लो कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, पेसर्स को भाई डेथ ओवर्स में विकेट नहीं मिल रही है, स्टार्टिंग में विकेट मिल रहे क्योंकि बैट्समैन उनको हिट करने जा रहे हैं। ठीक है, और डेथ ओवर में स्पेशली भाई ज्यादा विकेट गिर रहे हैं क्योंकि बैट्समैन उनको हिट करने जा रहे हैं, तो इस चक्कर में भाई विकेट थोड़ी ज्यादा गिर रहे हैं। सॉरी भाई, तो इस कंडीशन में मतलब इस वजह से भाई यहाँ पर पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो आप देख सकते हो 150 रन से 170 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें केपीके की टीम की तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो दोनों टीम्स ने यहाँ पर एक एक मैच खेला, और एक एक मैच में किसने क्या परफॉर्मेंस दी वो मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल कर लेके आ गया हूँ। यहाँ पर अगर बात करें जैन पेरे कोटजे की तो एक मैच खेला भाई 64 रन बनाए, ओपनिंग करने आए थे। इसके अलावा गिरीश हेमन की बात करें तो एक मैच में 84 रन बनाए, ये भी ओपनिंग करने आए थे। इसके अलावा डैनी स्कोरर की बात करें तो भाई एक मैच में 8 विकेट है, जेजे स्मिथ एक मैच में 57 रन, पिकी ऑफ फ्रांस की बात करें तो भाई 15 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई जोशुआ जुलूसियस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो जो जोशुआ जुलूसियस है इन्होंने भाई यहां पर एक मैच खेला था, बैटिंग बॉलिंग इनकी आई नहीं। बर्नार्ड स्कोट्स की बात करें तो एक विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा अगर बात करें इरिजवान मोलेडोर्फ की तो भाई इनकी भी बैटिंग यहाँ पर नहीं आई थी क्योंकि इनकी 3 विकेट गिरी थी और उसके बाद भाई इनकी विकेट गिरी नहीं तो इनकी बैटिंग यहाँ पर नहीं आई थी। बाकी प्लेयर्स की यहाँ पर अगर बात करें डिर्क की तो आप देख सकते हो डिर्क ने यहाँ पर भाई एक मैच में 2 विकेट निकाला। जैक पार्कर की बात करें तो इन्होंने भाई इन्हें मतलब बॉलिंग कराई थी बट इन्हें विकेट नहीं मिली। लुइस पीटर्स की बात करें तो एक विकेट इन्होंने निकाला। अब यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर मैं आपके लिए मार्क करता चलूं तो भाई ऊपर से ये 4 प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, इन 4 प्लेयर के बाद नीचे से आप स्कॉट्स को ट्राई कर सकते हो। आपको बता भाई मतलब कितना गजब का गेंदबाज इंटरनेशनल प्लेयर है, आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से आपके लिए एक डिर्क को आप ट्राई कर सकते हो। नीचे की साइड अगर हम चलेंगे तो MMSSS की टीम की हम बात करेंगे, यहां पर अगर बात करें स्टेफन बार्ड गजब का प्लेयर है, हालांकि मतलब फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है अभी, यहां पर वनडे मैचेस में ठीक ठाक फॉर्म वापस आ गई थी। इसके अलावा एक विलियम्स की फॉर्म खराब चल रही है लेकिन यहां पर बॉलिंग करते हुए इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए थे। और यहां से अगर बात करें जान बाल्ट की तो एक मैच खेला 22 रन बनाए, गेरहार्ड जानसे की बात करें तो एक मैच में 4 रन बनाए, मलन क्रूगर की बात करें तो 24 रन बनाए, शोन फोक की बात करें तो भाई यहाँ पर 10 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ पर डोवन जीलैंड की तो एक मैच में 33 रन बनाकर भाई 2 विकेट भी निकाले थे, तो गजब की परफॉर्मेंस यहाँ पर दी थी, गेम चेंजर हमारे लिए साबित हुए थे। JW विजा की बात करें तो भाई 9 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई क्रिस्टियन की डेलपर्ट की बात करें तो 2 रन इन्होंने बनाए। वहीं अगर बात करें फुंगई हुलुपो की तो आप देख सकते हो 2 विकेट इन्होंने निकाले। फ्रिट्स कोटजे हैं, इन्होंने भाई 1 विकेट निकाला। अब यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं आपके लिए मार्क करूं यहां से तो स्टेफन बार्ड और क्रेग विलियम्स दोनों आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके बाद भाई आप यहां से मलन क्रूगर को ट्राई कर सकते हो, जैन बाल्ट को जीएल मिनी जीएल में कैप्टन कर लेना। वहीं अगर बात करें यहां से डोवन जीलैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 4-5 प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर भाई आप फुंगई को ट्राई कर सकते हो और फ्रिट्स को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई कर सकते हो बट मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए नहीं होने वाले। मस्ट पिक प्लेयर की बात करें तो स्टेफन बार्ड क्रेग विलियम्स दो तो यहां से आपके लिए फिक्स हो गए। इसके अलावा भाई मलन क्रूगर और यहां से भाई डोवन, ये 4 आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर यहां से रहने वाले हैं। अब चलिए भाई डेमो टीम की बात कर लेते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं यहां पर सिर्फ आपको एक डेमो टीम ही मिलेगी, फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल अगर बाय चांस मान लो लिंक
वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, ठीक है? आपको एट द रेट केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च करके 5.5K की फैमिली वाले हमारे इस चैनल पर जुड़ जाना है। इसी चैनल पर आपको आना है, और यहाँ पर आने के लिए भाई सबसे बेस्ट तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ट्राई करना। अब यहाँ से भाई डेमो टीम आपको बना के दे देता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें, जे कोट जी हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो ऐसे वाई फ्रांस की मैं अपनी टीम में इन्हें भी अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा सी विलियम्स, एम क्रूगर को अपनी टीम में रखूंगा, और नीचे अगर आप चलोगे तो एस बार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो पिकी फ्रांस को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो जे स्मिथ, जी सेवन दोनों मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। जे बाल्ट को आप ट्राई कर सकते हो। जे फ्रीलिंक अगर खेलता है तो आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, अगर नहीं खेलता तो भाई फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बॉलिंग की बात करें तो बी स्कॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही अगर बात करें डीवान स्कोर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे अगर आप आओगे तो एफ फलूपे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से अगर और बात करें तो एक प्लेयर आपके पास ऑप्शनली आपके यहाँ से ट्राई कर सकते हो, या तो भाई आप जो डिर्क है इनको ट्राई कर लो, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा ही है, या फिर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो पिकिया फ्रांस को, ठीक है? ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड रहेगा कि आप किसके साथ जाना चाहोगे। मैं अभी के लिए यहाँ से भाई पिकिया फ्रांस के साथ ही जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से अगर बात करें तो डिर्क भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सी वी सी के यहाँ से अगर बात करें तो सी कैप्टन भाई ऐसे जी साइमन को हम रखेंगे। वी सी की अगर बात करें तो जे जे स्मिथ हम रखेंगे। अगर आपको इसके अलावा जी एल के सी वी सी की बात करें तो जी एल में भाई आप यहाँ से एस वार्ड, सी विलियम्स दोनों को आप जी एल में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। गजब के प्लेयर और भाई परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। टीम की अगर बात करें तो टीम आप यहां से देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की अभी के लिए हमारी टीम होने वाली है। बाकी फाइनल टीम की फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके भाई अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।